अभी हम लोग अजमान के लिए निकल चुके हैं, जो यूनियन से बस पकड़े हैं। बस डबल डेकर है और आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको अजमान के जो लोकेशन है, विजिटर एरिया खास करके, वो आपको दिखाएंगे। अभी आप दुबई का ही देखिए, ये ट्रैफिक। काफ़ी रोकता है ना जगह जगह पर। टाइमिंग रहेगा अगर आप तो टाइमिंग अपना मुंबई में जैसे है। हाँ, यूनियन से जो ये बस पकड़े हम लोग, तो बस ये कार्ड ही वाला एंट्री ले सकता है। आज जिसके पास कार्ड ना हो। जिसके पास कार्ड ना हो वो वहाँ पे जो स्टेशन रहता है ना, हाँ, वहाँ पे जाके वो मिशंस भी रहता है। अच्छा, वहाँ पे जाके तुम कार्ड से लाइक एक दिन के लिए कार्ड रहेगा, वो अच्छा यहाँ से यहाँ पे जाने वाला कार्ड ले सकते हैं, या नहीं तो वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन डेस्क के पास तुम कार्ड भी ले सकते हो। अच्छा, ये थोड़ा पैसा देना पड़ेगा मगर आपको क्रेडिट मिल जाएगा उसमें। वही हमको बिना काट वाले का नो एंट्री है भाई। नहीं। या मेट्रो में भी वही सीन है। हाँ, मेट्रो मेट्रो आया तो काट ले लिया था। हाँ, तो सेम कर आप ये में पूरा यूज़ कर सकते हैं। अजमान जाने के बाद आप तो कैश ले सकते हैं, अच्छा, मगर अजमान का भी दूसरा कार्ड है। तो अब जॉब आप अजमान में ही करते हैं? अजय नाम हुआ। अच्छा, कर्नाटक, केरल। अच्छा, केरला। चलिए ठीक है। यहाँ पे 99% लोग केरला ही लोग रहते हैं। केरला टेक्नीशियन लोग जाता है, जैसे हम L&T में जॉब करते थे, मैं मैकेनिकल फील्ड से हूँ, तो L&T वहीं का था। अब वहाँ के लोग जामनगर है रिलायंस में, तो उधर के टेक्निकल लोग ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सारे लोग रहते हैं। हाँ, लेबर से मैनेजर से सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, लेबर तो कम ही मिलेंगे। लेबर आपको UP, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र के ज़्यादा है। हाँ, लेकिन हाँ टेक्नीशियन भी है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन केरला के लोग ज़्यादातर उसका एजुकेशन भी तो हाई लेवल है, यही कारण है उसका। और ये कितना देर में छोड़ देगा ये? यूनियन से लेकर मिनिमम 45 to 50 मिनट्स तक अजमान पहुँच जाएंगे। 45 to 50। हाँ, 1 आवर में आपको शारजा होते हुए जाएगा। हाँ, यस, शारजा कवर करते जाएंगे। शारजा कवर कर, चलिए ठीक है। ये वेलकम शारजा। अच्छा, ये पूरा शारजा। और अभी ये सुबह का टाइम है तो ऑफिस के लिए लोग आ रहे हैं, इसलिए इसलिए ट्रैफिक पूरा लगा हुआ है, क्योंकि आसमान में सस्ता है रहने के लिए। अच्छा, और शाम को जब जाते हैं तो इधर से इस एक साइड जब खाली चल रहा है, इधर से मिलेगा आपको ट्रैफिक। और यहाँ हमको लगता है आदमी से कई गुना ज़्यादा तो यहाँ ट्रैफिक है। सुबह सुबह रहता है नहीं, वैसे भी आप काउंट करेंगे तो ट्रैफिक, गाड़ी ज़्यादा है, आदमी कम है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक घर में तो मिनिमम कितना लोग हैं, उतना लेकर एक एक गाड़ी रहता है। अगर 3 लोग हैं, 3 लोगों को 3 गाड़ी रहता है। चलो ठीक है भाई। अच्छा, ये शारजा विशेष अब ये शारजा। अच्छा, इसी में स्टेट अलग अलग है ना, यहाँ UP को पार करने में 12 घंटा लग जाता है। तो ये शारजा का एक टैक्सी का दिखा रहा है।
हम लोग अजमान पहुंच चुके हैं। आप अजमान भी दुबई की तरह खूबसूरत है। आप देखिए यहाँ कितना ऊंचे ऊंचे टावर्स बनाए गए हैं। इन जिस टावर्स में ये लोग यहाँ के अरबियन लोग नहीं रहते हैं, ये टोटल बाहर रेंट पे लोग रहते हैं जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, वही लोग ये सब टावर में रहते हैं। चलिए जितना हो सकेगा आज हम अजमान कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे अजमान की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। देखिए ये नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पहले ये लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंट लगाते हैं। समय ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन ये लोग टाइम पे खोलते हैं, जितना लोग हो गए टाइम हो गया बस खोल देते हैं। यहाँ के लोकल लोग इस तरह के अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में नहीं बल्कि विला में रहते हैं, जिनका पर्सनली विला अलग होता है उसमें रहते हैं। और जितने भी आप ऊँचे ऊँचे होटल्स अपार्टमेंट देख रहे हैं ये सब में काम करने वाले लोग रहते हैं या बाहर से आए लोग गेस्ट लोग रहते हैं। ये देखिए अल कूच नेरोस फिटनेस सेंटर जिम, इसकी बिल्डिंग्स तो देखिए आश्चर्यजनक। देख सकते हैं रेड लाइट पे जो काउंटडाउन चल रहा है ये आपको अजमान में देखने को मिलेगा लेकिन दुबई में नहीं। दुबई में रेड लाइट पर कोई भी इस तरह का काउंटडाउन आपको सेकंड नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट रेड ब्लू सुपरमार्केट येलो देखने को मिलेगा। अजमान पहुंच चुके हैं, बस स्टैंड पर उतरने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। ठीक, बस से अजमान पहुंच चुके हैं। ये जो मेट्रो वाले कार्ड हैं यही कार्ड यहाँ भी इस्तेमाल हो जाएंगे, यहाँ कोई कैश का लेन देन नहीं होता है, टोटल कार्ड से ही होता है। आप देख सकते हैं कार्ड से कट गए। जल्दी से करो सब्सक्राइब।